नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। हरी ट्रेडिंग कंपनी द्वारा किसानों के साथ किया गया फर्जीवाड़ा। किसानों की हिमायती सरकार भाजपा के राज में किसानों के साथ फर्जीवाड़ा। बैतूल कृषि उपज मंडी में हरी ट्रेडिंग कंपनी द्वारा किसानों को लगाया लाखों का चूना। उक्त फर्जी वाले में मंडी प्रबंधन भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है। मध्य प्रदेश की सारी मंडियों में वैसे तो नियम से किसानों को बेचे गए अनाज का 24 घंटे के अंदर नकद भुगतान करना है, लेकिन बडोरा कृषि उपज मंडी में इसका पालन होते नहीं दिख रहा है। किसानों को अनाज बेचने के बाद 20 से 25 दिनों तक भुगतान नहीं हो पा रहा है। मंडी सचिव शिला खातरकर किसानों की बजाय व्यापारियों को संरक्षण दे रही है। इसी का नतीजा है कि अनाज बेचने के बाद भी किसान भुगतान पाने के लिए विगत एक वर्ष से शासन प्रशासन की चौखट पर दर बदर भटक रहे हैं। बताया जा रहा है कि अपने द्वारा बेचे गए अनाज की राशि नहीं मिलने के कारण एक आदिवासी किसान ने जहर भी खा लिया था, जिसके पीछे कारण ये था कि उसके ऊपर कर्जदारों का कर्ज था, परंतु अनाज बेचने के बाद उसे राशि प्राप्त नहीं हुई थी, जिसके चलते उक्त आदिवासी किसान ने ये कदम उठाया था। किसान आयुष साहू विनोद धुर्वे ने बताया कि 10 जुलाई को उनका सैकड़ों क्विंटल गेहूं कृषि मंडी बडोरा में हरी ट्रेडिंग कंपनी ने गेहूं खरीदा था। इसका एक वर्ष बीत गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ है। संदीप चौबे निवासी सापना ने बताया कि उन्होंने 35 क्विंटल गेहूं बेचा था, भुगतान अब तक बाकी राशि अभी तक नहीं दी है। राहुल राठौर भैंसदेही ने बताया 18 जुलाई को 25 क्विंटल गेहूं बेचा था, एक रुपए भी भुगतान हरी ट्रेडिंग कंपनी ने नहीं किया है। रामपति निवासी पोहर ने बताया कि 56 क्विंटल गेहूं बेचा था, इसका भुगतान नहीं मिला है। आकोश हाके जामठी ने बताया 14 क्विंटल का गेहूं का भुगतान नहीं मिला है। इसी तरह अन्य किसानों को भी भुगतान नहीं हुआ है। उक्त फर्जीवाड़े की शिकायत हुई तो मंडी प्रबंधन ने 2 दिन के लिए खरीदी पर रोक लगाने की रस्म अदायगी कर दी थी, लेकिन इस कार्यवाही से व्यापारियों के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। जबकि नियम से मंडी प्रबंधन ने हरी ट्रेडिंग कंपनी से किसानों की बाकायदा राशि दिलाना चाहिए थी। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं मंडी प्रबंधन भी इस सारे खेल में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। आयुष साहू, आयुष बताएं क्या मामले को लेकर आप कलेक्टर? ये कृषि उपज मंडी का है भुगतान। एक हरी ट्रेडिंग करके था व्यापारी, वो एक साल से उसका पेमेंट बाकी है और कम से कम 20 से 25 किसान बहुत परेशान है एक साल से। ये हमारा साथी आदिवासी किसान बेचारा, इसने जहर भी खा लिया था 2-4 महीने पहले, इसको कर्जदार बहुत परेशान कर रहे थे। तो हमारा अनुरोध यही है कि जल्दी से जल्दी सचिव मैडम, कलेक्टर सर, हम सभी किसानों का भुगतान करें। क्या होता मतलब आप लोगों ने इससे पहले भी शिकायत की है? हम लोग एक साल से पूरा परेशान है, एक साल से हर महीने शिकायत कर रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं यहाँ पे, पर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही। क्या बोलते हैं अधिकारी? हो रहा है करके, और जो जिसने जो व्यापारी ने बेचा था उसके पास भी कुछ अभी बचा नहीं है। तो अब जिम्मेदारी तो मंडी की बनती है कि हमको हमारा पैसा दिलाए, क्योंकि तो हमारे पास पुख्ता सबूत है कि हमने इन तारीख को अनाज बेचा था। तो अब किसान मंडी में अनाज बेचने ही जाएगा तो कहाँ जाएगा? और मंडी में अगर ऐसा होगा किसानों के साथ भुगतान नहीं हो पाएगा समय पे, क्या करेगा? एक साल से बहुत परेशान है सभी किसान। आगे हम सभी लोगों का है मानना कि भाई मंडी में हम बिक्री नहीं होने देंगे। पहले हमारा काम होना चाहिए, भुगतान होना चाहिए, सब मेहनत की कमाई है सब किसानों की। तो यही हमारा है कि जल्दी जल्दी हमारा पैसा दिला दे बस। क्या नाम है आपका? विनोद ध्रुवे। बताओ विनोद, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सर, जो कर्जदार कर्जे वाले आते इसलिए मैं दवा पी लिया था। लोन था ये KCC ट्रैक्टर का, और गेहूं बेचा मंडी का तो पैसा मिला नहीं सर। कितना मतलब पैसा है आपका मंडी में, कितना बकाया बाकी? सर 1,06,000 है सर। क्या बोलते हैं मंडी वाले? बस हो जाएगा बोलते सर, आगे बढ़ाते जाते बस। क्या चाहते हैं आप? हमारा भुगतान हो जाना चाहिए सर, ऐसा बोल रहे हैं तो। क्या